हाय गाइस, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका पर्की मेक्स हिंदी में, जहाँ हम बात करते हैं ऑल अबाउट फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, मॉमी टॉक्स। सो गाइस, फेस्टिव सीजन इज राउंड द कॉर्नर। यस, अक्टूबर से जो है नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए फेस्टिव हॉल। यस, मैंने कुछ चीज़ें खरीदी हैं ऑनलाइन, यू नो, फेस्टिव सीजन के लिए, बिकॉज इस बार स्पिरिट थोड़ी सी हाई है। थैंकफुली आई जस्ट होप कि सब कुछ ऐसा ही अच्छा रहे। दिल्ली में कोविड केसेस बहुत कम है एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, बट स्टिल वी शुड टेक ऑल द प्रिकॉशंस। तो बस आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कुछ पीसेज लिए। अभी मेरे सारी चीज़ें नहीं आई हैं, तो मे बी मैं इसका पार्ट टू बनाऊंगी, बट दिस इज पार्ट वन ऑफ द फेस्टिव हॉल एंड आई होप आप सबको अच्छा लगे। सो इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़े, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। वहाँ पे बहुत सारी यू नो फेस्टिव रील्स डाल रही हूँ, स्टोरीज डाल रही हूँ, मेरी पर्सनल अपडेट्स एंड फैशन अपडेट्स। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेक्स। और चलिए अब लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोथिंग हॉल से। तो मैंने जो है आजियो से कुछ क्लोथिंग मंगाई है एंड कुछ क्लोथिंग मैंने मंगाई है डिफरेंट होम ग्रोन ब्रांड्स से। तो आजियो वाला जो पार्ट है वो भी नहीं आया है, तो मिंत्रा एंड एक जो ब्रांड है अलाया, उसका जो क्लोथिंग आ गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो सबसे पहले मैंने लिया है फ्रॉम दिस ब्रांड अलाया बाय स्टेज 3। अगर आपने सुना हो तो दिस इज़ अ होम ग्रोन ब्रांड, इससे मैंने पहले भी कपड़े लिए हैं, मुझे इसका कुछ फेस्टिव कलेक्शन अच्छा लगा। तो सबसे पहला जो है मैंने लिया है ये श्रग, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये फ्लोरल श्रग, और इसको जो है बहुत वेज में स्टाइल कर सकते हैं। मुझे इसकी थोड़ी सी ये जो लेस है ना, इसमें थोड़ा सा क्वालिटी इशू है। इसके जो ग्लासेस हैं ये खोलने पे ही काफ़ी नीचे आ रहे हैं, मतलब ये निकल रहे हैं। सो आई थिंक इसकी जो ग्लू है वो अच्छी नहीं है जो चिपकी हुई है। आई वॉज लिटल डिसअपॉइंटेड, बट अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल श्रग, और इसको डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हैं। सो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। मैंने और भी श्रग्स मंगाए हैं जो आने वाले हैं आजियो से एंड सेम अलाया से, सो लेट्स सी। बट दिस इज़ अ लॉन्ग श्रग, इज मैं डेफिनेटली इसको कहीं ना कहीं पहनूंगी एंड देन आप वीडियो में देख लेंगे। दिस इज नॉट ट्राई ऑन हॉल, अभी मैं आपको सब दिखा रही हूँ जो चीज़ें आई हैं। एंड डोंट वरी, लुक बुक्स आर कमिंग अप सुपर सुपर सून, सो आर यू एक्साइटेड? आई एम। सो दिस इज द फर्स्ट आइटम, काफ़ी लंबा लॉन्ग श्रग है ये, एंड इसको डिफरेंट वेज में, यार बहुत वेज में, कैजुअल, नॉन कैजुअल, लाइट फेस्टिव, हैवी फेस्टिव लुक्स आप बना सकते हैं इससे। सो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। मेरे और भी श्रग्स आ रहे हैं, उन सब का मिलके बनाऊंगी। ओके, नेक्स्ट मैंने लिया इससे एक धोती स्कर्ट। मुझे ये काफ़ी यू नो देखा मैंने तो मुझे काफ़ी यू नो इनोवेटिव सा लगा, तो मुझे इसका स्टाइल अच्छा लगा। सो दिस इज़ द धोती स्कर्ट, और इसको जो पहनते हैं तो धोती वाला लुक आता है, बट ये स्कर्ट है तो फ्रीली आप घूम सकते हैं। इसमें जो इनर है ना वो इतना ही दिया हुआ है लेंथ का, तो मुझे ऐसा था कि इनर थोड़ा सा लंबा होना चाहिए था बिकॉज इतना छोटे से में, बट स्टिल मैंने पहन के देखा इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, बट फिर भी लंबा इनर देते तो अच्छा होता। सो दिस इज़ द सेकेंड क्लोथिंग आइटम, एंड ये भी मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत तरीक़ों से स्टाइल कर सकती हूँ मैं, तो इसलिए मैंने लिया। और कलर भी मैंने ऐसा लिया गोल्ड, जो काफ़ी काफ़ी चीज़ों से मैच होता है। तो दिस इज़ द सेकेंड आइटम जो मैंने लिया अलाया से। थर्ड जो आइटम लिया मैंने, दैट इज़ दिस बेल्ट। बेल्ट आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं साड़ीज़ में, सूट्स में, सब पे बहुत अच्छी लगती है। सो दिस इज़ हाउ द बेल्ट लुक्स, एंड ये यू नो इस तरह कमर पे यू पहन के किसी भी ड्रेस को यू नो बहुत अच्छा लुक दे देता है, तो मुझे इसकी बेल्ट अच्छी लगी। ऐसी बेल्ट मैंने इंडिया ब्रांड में भी देखी, INDYA जो ब्रांड है, अमेजोन पे भी है, मिंत्रा पे भी है, तो उस पर भी आप ले सकते हैं। इसमें जो है मैंने साइज़ मीडियम लिया है, और एक और बेल्ट आया था वो मैंने गोल्ड में लिया है, वो भी मीडियम लिया था, बट मीडियम मुझे टाइट है तो मैंने इसको लार्ज से एक्सचेंज किया है, तो ये भी अभी मैं एक्सचेंज करूँगी बिकॉज ये मुझे टाइट है, या फिर पीछे से इसको थोड़ी सी डोरी लगानी पड़ेगी, लेट्स सी। एंड अगर आप ऐसी घर पर बनाना चाहते हैं तो आप लेस ले सकते हैं और कपड़े के ऊपर वो लेस सिलवा के और पीछे आप डोरी बना सकते हैं, तो भी आपकी यू नो अच्छी सी एक बेल्ट बन जाएगी। सो ये जो है मैंने अलाया से लिया है। नेक्स्ट मैंने एक साड़ी ली है मिंत्रा से। दिस इज द साड़ी, ये
मैंने प्योरली प्योरली इसके कलर के लिए, मुझे इसका कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। अदरवाइज दिस इज़ अ सैटन साड़ी और मैं सैटन साड़ी बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ। मैंने अपनी वीडियो में बताया था आपको साड़ीज आई डोंट बाय एनी मोर, बट मैंने इसी कलर के लिए ले ली क्योंकि मुझे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बट अगेन ये जो मैं थोड़े बल्की हूँ तो पेट को एनहांस कर रहा है, पेट के फैट को, बट किसी तरह छुपा के मैंने पहना है। लुक बुक में देखना आप कैसे लगता है। इसको मैंने इसके ब्लाउज के साथ नहीं पहना, उसके साथ कुछ अजीबो गरीब मिक्स एंड मैच ब्लाउज आया था, फ्लोरल प्रिंट वाला, पत्ती पत्ती वाला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके साथ मैंने अपना ज़ारा का क्रॉप टॉप स्टाइल किया है लुकबुक वीडियो में, जो जल्दी ही आने वाली है नेक्स्ट, सो स्टे ट्यून्ड। सो दिस इज़ द थर्ड आइटम। ये ना सेल में काफ़ी सस्ती थी, आई थिंक 700-800 की साड़ी थी, तो मैंने ले ली। इसकी क्वालिटी अच्छी है, चीप वाला सैटन नहीं है, तो मुझे अच्छा लगा। ओके नेक्स्ट, मैंने एक बोहो बैग लिया है सारे मेरे फेस्टिव लुक्स के साथ जाने के लिए, एंड दिस इज सच अ प्रिटी बैग। ये मैंने ना इंस्टाग्राम में कुछ इन्फ्लुएंसर्स को लेते हुए देखा था, तो मैंने लिया है फ्रॉम दिस ब्रांड, संस्कृति 777 करके एक ब्रांड था, उसको उससे लिया है, एंड दिस इज हाउ द बैग लुक्स। दिस इज़ सो प्रिटी, आप देखेंगे मुझे वीडियोज़ में डेफिनेटली यू नो ऐसे ऐसे लेते हुए, एंड काफ़ी बड़ा है, आप फेस्टिव सीजन में पहन सकते हैं। इसमें एक वो भी दिया हुआ है और लंबी यू नो चेन टाइप की, कि आप इसको ऐसे भी पहन लें, बट मेरे हिसाब से अगर आप ऐसे क्लच स्टाइल में लेंगे तो ये ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा। नेक्स्ट मैंने वन मोर बैग लिया, येस मैंने बहुत सारे बैग लिए, एक पर्ल बैग भी है जो आने वाला भी आया, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट टू हॉल में मैं आपको दिखाऊंगी, बट दिस इज सच अ प्रिटी बैग। छोटा सा ये जो है लैवेंडर कलर में है, लिलैक कलर में, इसमें पर्ल्स का स्ट्रिंग बना हुआ है, लंबा भी है अंदर से चेन गोल्ड वाला, बट मुझे ये कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और इसमें इस टाइप की ना क्रिस क्रॉस पैटर्न बना हुआ है, और उसका जो पर्ल है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये फेस्टिव सूट्स एंड साड़ीज के साथ यू नो बड़ा अच्छा जाएगा, सो आई रियली लाइक इट। नेक्स्ट मैंने लिए कुछ हील्स मिंत्रा से, तो फर्स्ट वन आर दीज हील्स फ्रॉम दिस ब्रांड हाउस ऑफ पटौदी, एंड ये जो हील्स है दीज आर सो 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 ब्यूटीफुल, मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसमें जो है मोती मोती लगा हुआ है, एंड दिस इज हाउ दे लुक, एंड मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। ये जो है ऐसा कलर है जो सबके साथ जाएगा, एंड स्पेशली जो मोती वाली डिटेलिंग है ना, ये अपने इंडियन आउटफिट्स पे बहुत अच्छी लगेगी, तो मुझे ये ब्रांड अच्छा लगा। इसकी मैंने और भी चीज़ें देखी और काफ़ी यूनिक थी, मिंत्रा पे है ये ब्रांड हाउस ऑफ पटौदी, आई थिंक ये सैफ अली खान का ब्रांड है, बट आई रियली रियली लाइक दीज हील्स। पॉइंटी हील्स में कब से अच्छी ढूंढ रही थी, एंड फाइनली मुझे मिल गई। नेक्स्ट वन आदि स्लिप ऑन्स जो मैंने H&M से लिए हैं, H&M भी मिंत्रा पे अवेलेबल है न्यूट कलर में, ये सबके साथ जाएंगे, मैंने इसलिए लिया। और हील जो है बहुत कम है, बिकॉज मुझे जो है बहुत ज़्यादा हील जो है पसंद नहीं है, एंड इसकी बस छुट्टू सी हील है, एंड ये मैंने इसलिए लिया है कि सारे सूट्स के साथ ये जाएगा, तो इसलिए मैंने दो न्यूट कलर में, एक थोड़ा सा डार्क न्यूड एंड एक लाइट न्यूड में ले लिया है, एंड इसका काफ़ी सारा उस यू नो काम हो जाएगा। ओके नेक्स्ट मैंने ली है काफ़ी सारी ज्वेलरी फ्रॉम दिस ब्रांड अमामा, मुझे इसकी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है। दिस इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव ब्रांड, लेकिन इसकी ज्वेलरी बहुत ही यूनिक एंड गुड क्वालिटी होती है। तो फर्स्ट मैंने लिया है ये अफगानी नेक पीस, ये लंबा सा लुक्स, ये इस तरह यू नो पहन के लंबा वाला नेक पीस है, जो आप अपनी नॉर्मल ब्लैक कुर्तीज़ में भी पहन सकते हैं, फेस्टिव कुर्तीज़ में भी पेयर अप कर सकते हैं, तो मुझे अच्छा लगा है तो मैंने ले लिया। नेक्स्ट मैंने लिया ये इयररिंग्स, जो मैंने आपको अपनी राखी लुकबुक में भी दिखाई थी, इसकी ड्रेस के साथ पहनी थी मैंने, एंड ये पर्ल वाला जो इनका कलेक्शन है बहुत अच्छा कलेक्शन है, एंड दीज आर द इयररिंग्स, बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं, आई रियली रियली लाइक दीज। और ये बहुत ज़्यादा जो है हल्की हैं, लाइट वेट हैं, तो पहनने के लिए बहुत इजी हैं, एंड दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। नेक्स्ट मैं लिए मोती टाइप के दो नेकलेसेस, अगेन वेरी वेरी प्रिटी। फर्स्ट वन जो है इज़ दिस नेक पीस, एंड दिस इज़ सच अ प्रिटी नेक पीस। मतलब अगर आपने एक ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी है, तो डीप वी नेक की ड्रेस पहनी है, वी नेक की ड्रेस पहनी है, तो उसके साथ भी यू नो बहुत अच्छा लगेगा, लहंगे के साथ, साड़ी के साथ, सूट के साथ, तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा, आई रियली लाइक इट। और ऐसा ही सेम मैंने एक और नेकलेस लिया है, उसका ऊपर का जो बैंड है वो अलग है, क्योंकि मुझे ये पैटर्न बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने दोनों ले लिए। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स,
एंड दिस इज ऑल्सो सुपर प्रिटी. जैसे मेरे इसमें बहुत ज़्यादा काम है तो उस पर अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आपका कोई यू नो प्लेन आउटफिट हो तो उस पर इस तरह के नेकलेसेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. मैं फेस्टिव सीजन में इन सबको स्टाइल करूंगी, सो डोंट वरी, आप देखेंगे कि ये सब कैसे लगते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे फेस्टिव जूतीज भेजी फ्रॉम दिस ब्रांड पिंसल एंड टोज. इन्होंने मुझे पहले भी जो है पीच कलर की जूतीज भेजी थी जो बहुत सुंदर थी, बट ये मेरी करंट फेवरेट है. आई एम ऑब्सेस्ड, मैं इनको बहुत ज़्यादा पहन रही हूँ सारी ड्रेसेस में, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करूँ. सो दीज आर द जुतीज, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल वाइट जुतीज हैं जिसमें यू नो बहुत ही प्यारा क्रिस्टल का काम है. आई रियली रियली लाइक दिस. का क्लोज लुक मैं आपको दिखा दूंगी अब यहाँ वीडियो पे, मैंने राखी लुक बुक में पहना था एंड आई गॉट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स ऑन द जुतीज, तो दीज आर फ्रॉम टिंसल टोज, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है. सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द फेस्टिव हॉल पार्ट वन. पार्ट टू आएगा जल्दी, जब मेरा बाकी का सामान जो है वापस आ जाएगा तो मैं पार्ट टू बनाऊंगी, बट दिस वॉज पार्ट वन. आई होप आपको अच्छा लगा. लेट मी नो इन सब में से आपकी यू नो फेवरेट चीज़ कौन सी थी, क्या आपको सबसे अच्छा लगा. एंड डोंट वरी, सारे कपड़े ज्वेलरी एंड हील्स जो है ये पहन के लुक बुक्स आने वाली है बैक टू बैक, क्योंकि आई एम अप अभी रात के 3 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ. येस, बिकॉज दिन में नबू मुझे शूट करने नहीं देती है, बट आई एम पम्प्ड अप और फेस्टिव के बहुत अमेजिंग लुक्स में लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए. आई होप आपको पसंद आएगा. सो गिव दिस मोमा अ लाइक अगर आपको अच्छा लगे, एंड सब्सक्राइब टू पोकी मेक्स हिंदी ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए. मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, वहाँ मैं बहुत सारी अपडेट्स डाल रही हूँ. तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पोकी मेक्स, टू फॉलो मी देयर. मिलती हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में. फील ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश. बाय बाय.